हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमॉक्सिसिलिन और क्लेविलिनेट का उपयोग हम कौन कौन समस्याओं में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी और कैसे किस साइड इफेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस सारी जानकारी इस वीडियो हम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस सिरप का उपयोग हम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की समस्याओं में करते हैं। जैसे दोस्तों, विभिन्न प्रकार की समस्या, जैसे निमोनिया में, खांसी बुखार में, जुखाम में, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में, ब्रोंकाइटिस में, यूरिन इन्फेक्शन में, त्वचा के संक्रमण में, बैक्टीरिया इन्फेक्शन यूरिन के संक्रमण में, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस समस्या जाती है, या हाथ पैरों में कोई भी दिक्कत हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाती है, और फ्लू जैसी समस्या हो जाती है, तो इन सारी समस्याओं में इस सिरप का उपयोग हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चों के लिए होती है दवा, और ये सिरप के रूप में आती है, या आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर दवा मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, इस सिरप को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना, मतली होना, शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने होना, कमजोरी महसूस होना, थकान होना, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं दोस्तों, और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, बिना सलाह से दवाई न ली, आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर दवा मिल जाएगी दोस्तों। बात करते हैं इस दवा को कैसे लेना है, तो इस दवा को आप दिन में बच्चों को 3 बार दे सकते हैं, सुबह, शाम और दिन में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।